जय लेकिन हम शिकार हो गए, हमारे बहराइच बलहार की सीट हम शिकार हो गए। 12 एमएलए हमारे जो नहीं बन पाए वो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी की वजह से। इन्होंने डमी कैंडिडेट देने के लिए तमामपति साहू जी महाराज के, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के विचारों को देखता हूं तो पैसा हमारे लिए पूरा दिखाई देता है, पैसा हमारे लिए पूरा दिखाई देता है। और आप हमारे लिए सोना और चांदी दिखाई देते हो, उसके 50 करोड़ क्या करो, 50 अरब रुपया भी कम हमको दिखता है कि ये लगभग 30 साल पहले जब मैंने बनारस की धरती महाराजा सुहेलदेव पार्क सारनाथ वाराणसी में पार्टी बनाई और जब मैं निकला तो बहुत से विरोधी बोलते थे कि राजपाट लेने आए हैं, कभी नहीं मिल सकता, प्रधान नहीं बना सकते, एमएलए की बात करते हैं। प्रधान भी बना दिया, जिला पंचायत भी बना दिया, एमएलए भी बना दिया, मिनिस्टर भी पार्टी से बना दिया। बहुत से लोगों की सोच तो ये विरोधी तमाम तरह की बात कहेंगे। हम आपसे इतना कहूंगा साथी कि जो पावर हमने आपको दिया है, ओम प्रकाश राजभर हमेशा पीला साफा लेके घूमता है। मैं सो जाता हूं तो पीला साफा उतार करके टांग देता हूं हैंगर पर, और फिर सुबह जब कपड़ा पहनता हूं तो इसको पहन लेता हूं। क्यों पहन लेता हूं? इस देश में 26 भगवान पैदा हुए, उनका भी वस्त्र पीला था। हमारे महाराजा सुहेलदेव जी का साफा और पगड़ी भी पीला था, इस नाते हमने पीला साफा पीला झंडा तय किया। और मैं आपसे कह रहा हूं साथियों, भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी जिम्मेदार साथियों, आपकी पहचान पीले साफे से है, आपकी पहचान पीले साफे से है। आप कहीं भी किसी थाने पर किसी अधिकारी के यहां आप जाओगे, पीला साफा देखते ही लोग समझ जाएंगे कि ये, अगर आप वहां जाओगे तो आपकी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर अधिकारी को नजर आएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य समझ लो। मैं क्यों बल देता हूं, हमारी पार्टी का जो परिचय है, पहचान है, वो पहचान आप अगर बिना साफा का जाओगे तो अधिकारी के मन में कोई तरंग नहीं उठेगी। जैसे पानी हो, पानी में छोटा सा टुकड़ा उठा करके फेंक दो उसमें तरंग उठती है, और वो तरंग तब तक नहीं समाप्त होती है जब तक खत्म नहीं हो जाती है। इस नाते हमने इस लोकतंत्र रूपी तालाब में पीला साफा आपको दिया हूं, और ये साफा जब तक अपने पास रखोगे तब तक तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कभी गलत मत सोचना, कभी गलत मत करना, कभी चोरी डकैती लूट मत करना, ये हमारा सत्य निर्देश है। आज ये 23 साल से अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर मैं बनारस की धरती से निकला, बड़े तूफान को झेला, बहुत से लोग कहते रहे ये भीख मांगता है। हाँ मांगता हूं भीख, भीख मांगना कोई बुरा नहीं है, भीख मांगता हूं। भीख मांगते मांगते लाखों फौज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में खड़ा कर दिया भीख मांगते मांगते। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से आज आपके बीच में आप देखो हमारे शालिक यादव जी जैसे लोग, शिवली सिंह जैसे लोग, और तो और फल देने वाला वृक्ष भी लगा दिया। देखो भाई बेदी राम जी, चाहे बेदी राम जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे हंसू राम जी हो, चाहे गुंदराम जी हो, हम लोग एमएलए हैं, एमएलए तो फलदार होता है ना। आप झांक के देखो जहूराबाद, आज जहूराबाद में जब से हमको बिहार जहूराबाद के लोगों ने एमएलए बनाया है, मैं समझता हूं कि 70 साल से जो गरीबों का काम नहीं होता था वो काम गरीबों का 7 साल के अंदर करके मैं दिखा रहा हूं।
हम इसी तरह फलदार वृक्ष पैदा करना चाहते हैं। और आपसे बार बार कहता हूं कि देखो आपकी पहचान, आपकी ताकत पीला साफा है। पीला साफा, मैं फिर कह रहा हूं, पीला साफा अपने कंधे पर लेके चलो, देखने वाले लोग ये समझ जाते हैं कि ये भारतीय समाज पार्टी का सिपाही है। और आपको बता दूं, अब तो हम देने लायक हो गए। कल तक हम भीख मांगते थे, लेकिन अब तो देने लायक बन रहे हैं। 3 साल ज्यादा नहीं, 3 साल और मेहनत करो, थोड़ी सी ताकत बढ़ाओ, 3 साल के बाद जो आपको दूंगा, आप ही के बीच से कम 25 एमएलए बना करके मैं दूंगा। थोड़ी सी मेहनत करो आप सोचते होंगे कि नेता, आप अध्ययन करो, हमारे साथ अगर विश्वासघात, एआर विधायक होते कि नहीं डमी कैंडिडेट दे दो, मैंने कहा कि नहीं, हमारे पास भी पहलवान है, इनको खाली लड़ा दो, मैं दावे के साथ कहता हूं ये जीत करके आएगा। लेकिन नई बात मानी है, वो उनकी बात रही, लेकिन धोखा खाते खाते हम भी सीख गए हैं। अब हमको धोखा कोई दे नहीं सकता। बस सिर्फ आपसे कहूंगा कि मैं दिल्ली गया था, हमारे तमाम साथियों को पता भी होगा, आपके मऊ में मीटिंग थी रतनपुरा में। हम लोगों को 12 बजे फोन मिलता है कि दिल्ली आओ, हम लोग दिल्ली गए। अब दिल्ली जाने के बाद वहां मुझे बताया गया कि 5 तारीख को आप शपथ लोगे। हमने कहा कि अकेले एक और करा देते महाराज, एक सहयोगी हो जाता। कह नहीं, अभी एक एक कराना है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि 20 ऐसे नाम दो जो आपकी पार्टी में, 20 ऐसे नाम हमको दो जो आपकी पार्टी में पुराने समय से मेहनत कर रहे हो, पार्टी के प्रति वफादार हो, घर द्वार छोड़ करके पार्टी के लिए काम कर रहे हो, ऐसे 20 नाम दे दो, हम उसमें भी कुछ फलदार वृक्ष देंगे। ये माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी ने कहा। मैं चाहता हूं इस नाम पे बना रहा हूं। आपने थोड़ी सी बात मान ली, हमारे बात मान के थोड़ी सी संगठन में काम कर दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं साथी, जो लड़ाई भगवान राम ने सारी लड़ाई जीतते हारते लड़ते जब समुद्र के किनारे पहुंचे, पुल बांधना था, उस पार जाना था, तो अब आपको हम लोग सब लोग मिलकर के समुद्र के किनारे खड़े हैं, उस पार जाना है। उस पर जाने के लिए आपको ईटा गिट्टी बालू सीमेंट सरिया मिट्टी मजदूर लेबर सब उठाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका पुल तैयार होगा। जिस दिन पुल तैयार कर दोगे, उसी दिन अपने आप चढ़ करके पार हो जाओगे। ये काम हम चाहते हैं, हम जो भी काम कहता हूं वो करता हूं। मैंने आज के 2002 में बनारस में सारनाथ में मैंने कहा था कि 2017 में पार्टी को सत्ता में पहुंचाऊंगा, तो लोगों को मजाक लग रहा था, लेकिन ये भी कहा था कि सत्ता में जाऊंगा। और कुछ ही दिन के बाद सत्ता छोड़ दूंगा, फिर सत्ता में लगा के। देखो, जब हम लोगों ने पार्टी बनाया तो उस समय हमारे बनारस के जिलाध्यक्ष थे उमेश राजभर जी। आ जाइए उमेश जी, ये उमेश राजभर जी वो है कि भारतीय समाज पार्टी का पहला जिलाध्यक्ष बनारस जहां पार्टी बनी, और पहला विधानसभा का उपचुनाव पार्टी की तरफ से अगर कोई लड़ा तो ये नौजवान उमेश राजभर जी लड़े।